प्राचीन काल में एक ऋषि थे शिला। उन्होंने ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया, किंतु जब उनके पितरों को ये पता चला कि शिलाद ने ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया है, तो वे दुखी हो गए, क्योंकि जब तक शिलाद को पुत्र प्राप्ति ना हो, उनकी मुक्ति नहीं हो सकती थी। शिलाद विवाह करना नहीं चाहते थे, किंतु अपने पितरों के उद्धार के लिए पुत्र प्राप्ति की कामना से उन्होंने भगवान शिव की कई वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें अपने समान ही एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। उसके कुछ समय शिलाद ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया और भूमि को जोतते समय उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे देखकर उन्हें अत्यंत आनंद हुआ। पुत्र का नाम उन्होंने नंदी रखा, अर्थात आनंद। एक बार मित्र एवं वरुण नामक दो आदित्य शिलाद मुनि के आश्रम में आए। वहां पर शिलाद और नंदी ने उनकी खूब सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर दोनों ने शिलाद को तो दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, किंतु नंदी को बिना आशीर्वाद दिए वे जाने लगे। तब शिलाद मुनि ने दोनों से पूछा कि उन्होंने उनके पुत्र को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर दोनों ने बताया कि नंदी अल्पायु है और 16 वर्ष पूर्ण करते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर शिलाद विलाप करने लगे। तब उन दोनों ने नंदी को महादेव की तपस्या करने को कहा। फिर नंदी ने महादेव की कठोर तपस्या की, जिससे महारुद्र प्रसन्न हो उसे दर्शन देने आए। जब उन्होंने वरदान मांगने को कहा, तो नंदी ने सदैव उन्हें उनके सानिध्य का वरदान मांगा। तब महादेव ने उसे अमरता का वर दिया और अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। नंदी वहीं से महादेव के साथ कैलाश को चले गए और उनकी सेवा में रम गए। जब शिलाद को ये पता चला कि भगवान शिव की कृपा से उनका पुत्र अजरमर हो गया है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। महादेव की सेवा करते हुए नंदी को बहुत दिन बीत गए और शिलाद अत्यंत वृद्ध हो गए। तब वे अपने पुत्र से मिलने कैलाश पहुंचे। नंदी अपने पिता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उनकी खूब सेवा की। बीच में आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमें आगे वीडियो बनाने के लिए हौसला मिलता है। तब शिलाद ने उनसे साथ चलने को कहा, किंतु नंदी ने उनकी आज्ञा ये कहकर ठुकरा दी कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल भगवान शिव की सेवा करना ही है। तब शिलाद मुनि से भगवान शिव से प्रार्थना की कि अब इस वृद्धावस्था में वे उनके पुत्र को उनके साथ भेज दें। ये सुनकर भगवान शंकर ने उन्हें अपने पिता के साथ जाने की आज्ञा दी। नंदी महादेव की आज्ञा मानने को विवश थे, इसी कारण भरे मन से वे शिलाद के साथ लौट तो गए, किंतु उनके प्राण कैलाश में ही रह गए। अपने आराध्य से दूर होने के कारण नंदी का स्वास्थ्य प्रतिदिन बिगड़ने लगा। तब शिलाद ने उसका विवाह मरुत कन्या सुईषा से करवा दिया, ताकि गृहस्थ जीवन में वे रम जाएं, किंतु इसका नंदी के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे शीघ्र ही मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया। जब शिलाद मुनि ने देखा कि उनके पुत्र के प्राण संकट में हैं, तब उन्होंने भगवान शिव से उसे बचाने की प्रार्थना की। अपने भक्त को इस अवस्था में देखकर वे तुरंत आश्रम पहुंचे और नंदी को स्वस्थ कर दिया। तब शिलाद मुनि समझ गए कि नंदी महादेव के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए उन्होंने उसे सुईषा के साथ कैलाश जाने की आज्ञा दे दी। एक बार महादेव देवी पार्वती के साथ अंतःपुर में थे और उन्होंने नंदी को द्वार की रक्षा करने को कहा। तभी वहां महर्षि भृगु आए और महादेव के दर्शनों की इच्छा जताई, किंतु नंदी ने उनसे कहा कि महादेव की आज्ञा अनुसार वे द्वार से नहीं हट सकते। इस पर महर्षि भृगु क्रुद्ध हो गए और उन्होंने नंदी को श्राप दिया कि वो जल्दी ही किसी के हाथों परास्त होगा। जब भगवान बाहर आए, तो नंदी की स्वामी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और उसे समस्त शिवगणों का अधिपति बना दिया और नंदीश्वर की उपाधि दी। कुछ काल के बाद राक्षसराज रावण कैलाश पहुंचा और नंदी ने उसे रोका। तब रावण और नंदी के बीच भयंकर युद्ध हुआ, किंतु भृगु के श्राप के कारण रावण ने नंदी को परास्त कर दिया। उसे परास्त करने के बाद रावण ने उसे पशुमुख कह उसका उपहास किया। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया कि किसी पशुमुख के कारण ही उसका विनाश होगा।
उसी श्राप के कारण ही महादेव ने हनुमान के रूप में रुद्रावतार लिया और समस्त लंका को जलाकर भस्म कर दिया। नंदी को स्वामी भक्ति के साथ साथ बल और कर्मठता का प्रतीक भी माना गया है। श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के जब श्री राम की सेना ने वीरमणि के राज्य पर आक्रमण किया तो शिवगणों के साथ उनका भयानक द्वंद्व हुआ। उस युद्ध में नंदी ने स्वयं हनुमान को शिवास्त्र से बांध दिया था। जब देवी सती ने दक्ष के यंकुंड में आत्मदाह कर लिया था तो वीरभद्र के आने से पहले नंदी ने अकेले ही दक्ष की सेना का संहार कर दिया था। यही नहीं, कई जगह इस बात का भी वर्णन है कि श्रीगणेश और कार्तिकेय को अपनी पहली युद्ध शिक्षा नंदी से ही प्राप्त हुई थी। एक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से वेदों का रहस्य जानने का अनुरोध किया। ये ज्ञान इतना गूढ़ था कि भगवान शिव देवी पार्वती को लेकर अमरनाथ की गुफा में गए ताकि देवता भी इस रहस्य को ना जान सकें। मार्ग में वे चंद्र, वासुकी इत्यादि सभी चीजों का त्याग करते गए। गुफा पर पहुंचकर वे नंदी को भी वही छोड़ते हुए कहते हैं कि वत्स, मैं तुम्हें सबसे अंत में त्याग रहा हूं क्योंकि तुम मुझे सबसे प्रिय हो। वेदों का ज्ञान देने से पहले वे पार्वती से कहते हैं कि अगर उन्होंने ये ज्ञान पूरा ना सुना तो वे उनसे बिछड़ जाएंगी। देवी पार्वती के आश्वासन देने पर भगवान शिव कथा प्रारंभ करते हैं किंतु देवी बीच में ही सो गई। इस कारण वे शिव से दूर हो गई और अगले जन्म में एक मछुआरे के यहाँ जन्मी। उनके पिता ने शर्त रखी कि जो भी मछुआरा इस विश्व की सबसे बड़ी मछली को मरेगा वे उसी से उनका विवाह करेंगे। तब भगवान शिव एक मछुआरे के वेश में वहां आए और नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली के रूप में अवतार लिया। तब मछुआरे रूपी शिव ने मछली रूपी नंदी का वध कर विवाह की शर्त पूरी की और देवी पार्वती को पुनः प्राप्त किया। भगवान शिव सदैव समाधि में रमे रहते हैं, इसी कारण उन्होंने नंदी को आज्ञा दी है कि वे उनके मंदिर के सामने बैठकर उनके भक्तों की प्रार्थना सुने। इसी कारण हरेक शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा होती है और भक्त अपनी प्रार्थना उनके कान में कहते हैं जो सीधे महादेव तक पहुँचती है। बिना नंदी की प्रतिमा के शिव मंदिर अधूरा माना जाता है। नासिक के पंचवटी में एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां नंदी की प्रतिमा नहीं है। कहते हैं कि ब्रह्मा के पांचवें सिर को काटने के कारण भगवान शंकर को ब्रह्महत्या का पाप लग गया। तब पंचवटी में गोदावरी के समीप उन्हें एक बछड़ा मिला जो नंदी था। उसने भगवान शिव को गोदावरी के रामकुंड में स्नान करने को कहा। ऐसा करने पर वे ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो गए और उन्होंने नंदी को उस स्थान पर अपना गुरु माना और अपने सामने बैठने से मना कर दिया। नंदी के विषय में एक कथा समुद्र मंथन की आती है। समुद्र मंथन में जब हलाहल निकला तब महादेव ने उसे पी लिया जिससे उनका कंठ नीला हो गया। हलाहल पीते समय कुछ बूंदे धरती पर गिर गई। जब नंदी ने महादेव का कंठ देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ और उसने जमीन पर पड़ी हलाहल की बूंदों को अपनी जीभ से साफ कर दिया। इसे देखकर सभी हैरान रह गए और नंदी से इसका कारण पूछा। तब नंदी ने कहा कि जिस कष्ट को उनके स्वामी ने ग्रहण किया है वही कष्ट उसने भी ग्रहण किया। इसे देखकर देव एवं दैत्यों ने एक स्वर से नंदी की प्रशंसा की। शिवगणों में नंदी का स्थान सबसे ऊंचा है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की सेना के 8 प्रमुख सेनापति हैं। ये हैं गणेश, नंदी, देवी, चंड, महाकाल, ऋषभ, भृंगी और मुरुगण। उसी प्रकार नंदी को नंदीनाथ संप्रदाय का जनक माना जाता है। इस संप्रदाय में नंदी के 8 शिष्य माने गए हैं जो 8 दिशाओं में शैव धर्म के प्रचार हेतु गए। ये हैं सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, तिरुमुलर, व्याघ्रपाद, पतंजलि और शिवयोग।